ये मुझे इन्होंने पिछले साल भी रिक्वेस्ट की थी कि इस घर के बारे में कि ये घर जो है ना, यहाँ पे घर इनका बन जाए अच्छे तरीके से, एक कमरा और किचन वगैरह बन जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी? मिल करती हूँ, सब ठीक होंगे, अल्लाह करे आप सब खैर खैरियत से हों। रात को माँ जी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी और हम सब काफ़ी परेशान हो गए थे। फिर हमने माँ जी को रोज़ा नहीं रखने दिया। एक तो माँ जी को यरकान है और दूसरा डॉक्टर बताते हैं कि माँ जी को जिगर का काफ़ी मसला बन चुका है। काफ़ी मेडिसिन हमने ली है लेकिन जो है ना फ़र्क नहीं पड़ रहा। दिन ब दिन माँ जी की तबीयत जो है ना वो बस डाउन ही होती जा रही है। मेडिसिन भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। फिर हमने कहा कि आप रोज़ा ना रखें। अभी मैं माँ जी के लिए जूस बनाने लगी हूँ। माँ जी ने रात से मतलब जो है ना वो खाना वगैरह नहीं खाया क्योंकि पेट में दर्द भी था। तो अभी माँ जी ने कहा कि मुझे जूस बना के दे दें स्ट्रॉबेरी वाला, और उसमें दूध ना डालेगा क्योंकि माँ जी को बलगम भी काफ़ी हो रही है, नज़ला ज़ुकाम। तो माँ जी ने कहा कि बेस्ट रहेगा कि आप मुझे पानी वाला जूस बना के दे दें। तो अभी जूस बना के देते हैं और फिर हमने जाना है जी सिटी, माँ जी की रिपोर्टें वगैरह करवानी है। पहले हमने लाहौर से काफ़ी माँ जी के मतलब बड़े हॉस्पिटल से भी रिपोर्टें करवाई हैं, तो उन्होंने कहा कि मतलब माँ जी को जिगर का मसला बन चुका है। तो अभी मजीद फिर हम जा रहे हैं जी सिटी, माँ जी की तबीयत। कल हमने अफ्तारी करवाई थी और सारे बर्तन जो है ना, ये अंगीठे वाले सारे बर्तन मैंने उतार दिए थे। अभी सुबह सुबह सारे बर्तन जो है ना, क्योंकि रात को काफी ज्यादा थक गए थे और फिर माँ जी की तबीयत खराब हो गई, फिर रात को मैंने बर्तन साफ नहीं किए। सुबह सारे के बाद जो है ना फिर बाकी सारे काम काज किए और सारे बर्तन मैंने धो के ना कुछ इस तरह की सेटिंग, जब मैं बर्तन रखती हूँ ना तो इनकी सेटिंग जो है ना वो मैं जरा चेंज कर देती हूँ। माह रमजान का पूरा महीना ये रूटीन जो है ना बिल्कुल चेंज हो जाती है बाकी दिनों की निस्बत से ना। अभी कुछ काम आधे अधूरे जो मेरे पड़े हुए ना वो भी काम करेंगे और उसके बाद जो है ना माँ जी को ले जाएंगे सिटी। और यहाँ पे बच्चे जो है ना, मेरे दोनों बच्चे फ्रेश हो चुके हैं अभी, समझदार। हाँ जी, आपने रोजा नहीं रखा? रखा किधर? कमरे में रखा है? कमरे में रखा है? किस कमरे में? इसमें या उसमें? इस कमरे में रखा है? अच्छा, इस कमरे में पड़ा हुआ अब्दुल हादी का रोजा। और माशाल्लाह इतने समझदार हैं, खुद ही नहा लेते हैं, खुद ही कपड़े पहन लेते हैं। अभी खुद का इसने खुद ही कपड़े पहने। हाँ जी, दादी मम्मी को पहले दे ले, फिर आपने पीना। अच्छे बच्चे ऐसे करते हैं। चलो आप ले लो थोड़ा सा, ठीक है ना? दादी मम्मी आपके किधर है? हमारी जूस वाली मशीन जो है ना, ये देखे यहाँ पे अब्दुल्ला खुद ही कपड़े पहन ही जा रहे हैं। जूस वाली मशीन जो है ना वो जरा हमारी लीक है, तो पहले जो है ना जो भी जूस बनाना है पानी या दूध नहीं डालती हूँ, बाद में डालती हूँ। और अभी ये देखें अब्दुल हादी ये देखो हमारी मशीन के काम, अभी किसी जग वगैरह में डालते हैं फिर आपको देते हैं, ठीक है ना? बर्तन मैंने धो के ना यहाँ पे रख दिए थे क्योंकि फिर सेन में झाड़ू वगैरह लगाना था, इसलिए मैंने कहा चले बर्तन यहीं पर रख देती हूँ। अभी जी बर्तन चेंज करते हैं, यहाँ से निकालते हैं जी इसमें से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या ठीक है? मामा, मामा, ये लाले का, ये आपका। माशाल्लाह मौसम देखिए कितना खूबसूरत बन चुका है, माशाल्लाह। और प्यारा सा घर भी देख लें आप लोग। और हमारी एक मुर्गी है, वो छोटी सी, आप लोग देखते होंगे छोटी सी है, छोटे छोटे अंडे उतारती है, तो उसे पता नहीं क्या है, वो हमारे बिस्तरे के ऊपर जाकर अंडा उतारती है, जिसे मैं दो तीन दफ़ा मैंने भगाया, यहाँ पर बैठती है। और अभी उसने यहाँ से छलांग लगाई, वो ऊपर बर्तनों की वो जो हमारी स्लैब बनी हुई ना
पर छत्ती जो बनी हुई है वहां पर उसने अंडा उतारना था, तो बड़ी मुश्किल से मैंने वो बर्तन काबू किया। नीचे गिरने थे वो चीनी के बर्तन थे, वो सारे टूट जाने थे। पता नहीं उसे क्या मसला, खुड्डे के अंदर नहीं उतारती और इधर उतारती है। उसे समझाया कर थोड़ा सा। ये आ रही, ये देख अभी उस कमरे में गई हुई थी। ये देखिए ये छोटी सी मुर्गी है और इसे इसकी जगह ही नहीं बनती कुछ चज से। बस जी ने हमारा रूम पसंद आता है तो इसमें अब हमारी तो कोई गलती नहीं है। दो तीन दफा जो है ना मैंने बाहर निकाला है, एक दफा इसने पहले बर्तन तोड़ दिए थे। हाँ जी। तो अभी जो है ना हम इनका मजीद बाहर नहीं निकाल सकते, तो मैंने कहा जहाँ आपका दिल करता है अभी फिर अभी जा इसने उतारना इधर ही है। ये पूरे घर में फिरते, किचन में, इस रूम में, बाहर। हमारी तितरियों ने तो वहाँ पे जगह बनाई हुई जो हमारी चकोरे है ना वहाँ पे, तो लेकिन इसे हमारा रूम ही पसंद आता है। आज आप लोगों को कोई सहरी का व्लॉग नहीं मिलेगा, अफतारी का व्लॉग नहीं मिलेगा। हमने सोचा अभी आज व्लॉग हम जो ना सुबह से स्टार्ट करते हैं और शाम तक रखते हैं। क्या रूटीन है ऐसे जी, कुछ माहिर रमजान में हमारे सारे दिन की क्या रूटीन होती है। और अभी यहाँ पे बच्चे जो ना अब्दुल्लादी इधर सोया हुआ और अब्दुल्ला पहले सो गया। अब्दुल्लादी अभी तक बस जागा, नूटा सा पड़ा हुआ है, झूले ले रहा है क्योंकि हमने सिटी जाना है। और वैसे भी हमारे गर्मियाँ आगे आ रही हैं और हमारे बच्चों की ये रूटीन होती है कि गर्मियों में 10 बजे हम सुला देते हैं। सर्दियों में सोते रहे तो गर्मियों में तो सोना ही है। सर्दियों में पूरी सर्दी में हमने सुलाया है। वैसे गर्मियों की रूटीन बता रही हूँ क्योंकि गर्मियों में हमारे बच्चों की इस तरह कुछ रूटीन है। जो पहले हमारे ब्लॉग देखते हैं उनको तो पता ही होगा कि बच्चे 10 बजे हमारे सो जाते हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि बाहर निकलने को दिल नहीं करता, लेकिन बच्चों को ना सर्दी से होता ना गर्मी से होता, बस उनको खेलने की होती है। उनको ये नहीं होता कि इतनी तेज़ धूप है। अभी जो सुबह सुबह का टाइम है लेकिन इतनी तेज धूप निकली हुई है, धूप भी थोड़ी थोड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन ये है कि छांव अच्छी लग रही है। माशाल्लाह बादल बन रहे हैं प्यारे प्यारे और झड़ बन जाएगा ना तो फिर गर्मी भी कम हो जाएगी। और यहाँ पे बर्तन वगैरह हर चीज सलीके से पड़ी हुई ना, देख सकते ऐसे। और इधर भी और इधर, ये तो यहाँ पे ही रहता है, मैंने जब भी देखा यहाँ पे खड़ा होता है। और पहले अब्दुल हादी और अब्दुल्ला इस मदानी के साथ खेल रहे थे, ये देखे बाहर निकल भी जाती है, इसे रुकाते दोबारा जी यहाँ पे। और इस साइड हमारी तितरियाँ फिर रही हैं जी। चलो जी लग गया और ये जबरदस्त हो गया। अभी हमारी छोटी मुर्गी इस साइड पे आ गई, वो बोल रही है, वो नीचे खड़ी है। और अभी बेगम सब मुझे कह रही है मुझे आप मशीन कब ले के देंगे। ये फूल देखे माशाल्लाह कितने प्यारे हैं। इन्होंने जब भी बच्चों के कपड़े धोने होते हैं, जब भी बच्चों के या मेरे कपड़े धोए ना, तो इन्होंने सबसे पहले गुस्से होना होता है जी मशीन कब आएगी। तो मैंने कहता है सब्र करे, सब्र से चीज़ें जो ना अल्लाह पाक देता होता है। पहले तो मैं आपसे नहीं लड़ी हूँ, लेकिन अभी माह रमजान आ गया, रोजे में इतने ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं कपड़े धोने। और अभी मैंने आपसे वाकई में लड़ पड़ना बस। और मैंने फिर आपसे बात, ये तो मेरे बहन भाई जानते हैं ना, वो सामने गिदड़ जा रहा, वो सामने इतनी दूर मेरा कैमरा जूम नहीं करेगा, वो अभी वो गंदम के अंदर ऐसे चला गया। आजकल के गिद्दड़ भी नहीं डरते, जगह नहीं है ना बेचारे को छुपने के लिए। जगह क्यों नहीं, इतनी गंदम है, ये भी छोटी छोटी मक्की है ना। ये नजर आते जैसे हम शाम को रोड पे निकलते हैं ना, ये खड़े होते हैं निकल के बाहर, पहले नजर नहीं आते, अभी मुझे आया वो ऐसे अंदर चला गया। तो सब बहन भाइयों को पता है जी किश्वर साहबा जो ना वो नहीं लड़ते। हाँ जी अब क्या देख रहे, उनको पता है आज अंडे कितने हुए पड़े हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, देख व्यूअर से क्या कि अंडे ले जाएं, दो दर्जन हो चुके होंगे ऐसे ना। हमारे व्यूअर अंडे लेते ही नहीं, उनको जरूरत नहीं अंडों की है। अच्छा जी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अंडे कितने हुए पड़े हैं पीछे। 14-15। हाँ जी 15 है, देख लें जी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 में ज्यादा लग रहे हैं। 2, 4, 6, 8, 10 हाँ जी 15 पड़े जी अंडे। हाँ जी 15 अंडे पड़े हुए। बेगम साहब बता रही कि डेली अंडे जो ना वो अब्दुल हादी और अब्दुल्ला खा लेते हैं। हाँ जी ये अभी ऐसे कर देते ताकि कोई डॉगी वगैरह ना आए। यहाँ पे महफूज पड़े हुए अंडे जी। यहाँ पे हमने क्या लगाया जी, आप सब की फेवरेट चीज़ें हमने लगा दी हैं यहाँ पे। 1, 2, 3 तीन खिलियों पर हमने लगा दी जी तरबूज, मतलब कि मतीरे, ठीक हो गया जो लाल होता मतीरा। और 1, 2, 3 तीन साइड में हमने लगा दी जी वो लंबी वाली जो फुट होती है ना, जिससे पंजाबी में खखड़ी भी कहा जाता है, वो मैंने लगा दी है। तो ये 1-2 दिन तक जो ना निकल आएंगे बाहर, तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों को नज़र आएंगी। तो डेली पानी माँ जी लगा देती हैं, तो बाकी देखें ये माँ जी को बहुत अच्छी लगती है जी। यहाँ पे जो हमने पौधे लगाए थे वो सारे सूख गए, उनमें से दो बचे हैं, उनमें से दो बचे हैं और माशाल्लाह उसने तो फूल भी निकाल दिए। और ये जो आपको बूटा नजर आ रहा है ना ये वाला, ये पालक है, ये पागल है, ये देखिए
अभी इसका बीज बनना शुरू हो गया है, पकना शुरू हो गई है। तो जैसे कि पिछली दफा आप लोगों ने गर्मियों में देखा कि ये वाली दीवार जो है ना हमारी, इसके ऊपर इतने करेले लगते थे, अभी फिर हमने यहाँ पे जी करेले लगा दिए, वो भी निकल आएंगे तो वो फिर इस दीवार के ऊपर चढ़ जाएंगे। ठीक हो गया जी, हो सकता है इस दफा हमारी वैसे भी दीवार बन जाए दूसरे वाली। हाँ जी, वो भी हम कोशिश कर रहे हैं जी इंशाल्लाह जी, है ना, क्योंकि उसके ऊपर खर्चा होना है। हम कोशिश कर रहे हैं जिस तरह ये दीवार बनी हुई ना, इसी तरह ऐसे और वो दीवार ये बन जाए, चारों तरफ बन जाए, फिर एक तो खूबसूरत भी बन जाएगा और ये एरिया खुला खुला भी लगेगा। इसके लिए थोड़ा सा खर्चा होगा तो वो इंशाल्लाह ये भी जल्दी करेंगे, ये भी थोड़ा सा पेंडिंग में हमने रखा हुआ है। हाँ जी, अभी माँ जी को कहें चलते हैं अभी। हाँ जी, माँ जी तैयारी कर रही हैं और अभी चलते हैं सिटी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, तैयारी हमारी हो चुकी है, बच्चे हमारे सोए हुए थे, बिलाल और अबू जान घर ही हैं और अभी हम चलते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सिटी पहुंच आए हम और हॉस्पिटल जो है ना वो सिटी से बाहर है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हॉस्पिटल पहुंच आए हैं और ये सामने नज़र आ रही ना बिल्डिंग, ये सारा हॉस्पिटल बना हुआ है। हम माँ जी को वहाँ पे गांव में ना छोटे में डॉक्टर के पास नहीं ले जाते ताकि जो है ना मसला मजीद ना बढ़े, तो जब भी ले जाते हैं ना कहीं बड़े डॉक्टर के पास ले जाते हैं। अभी अंदर चलते हैं जी, कोई पता नहीं कि टाइम हमें कितना लग जाएगा। हाँ जी, अच्छा जी, एक मसला बन गया है, हमें नहीं पता था कि डॉक्टर नबील अशरफ चौधरी साहब जो ना वो आज नहीं आएंगे, आज उनकी छुट्टी है और वो कह रहे हैं कि वो कल शाम को 7 बजे बैठेंगे और इतना सफ़र करके आए और इतनी गर्मी भी थी। अभी चलें वापस, माँ जी ने ये मैंने इनको बटवा दिया तो पैसे निकाल ले। माँ जी ने वो सिक्योरिटी वाले से पूछा, उन्होंने कहा कल आएंगे, आज नहीं आएंगे वो। अभी चलते हैं घर वापस फिर। हाँ जी, अब क्या कहते हैं आप? चले वापस यार। कल ये तो रात हो जाएगी, रात को आना पड़ेगा। हाँ जी, इफ्तारी के बाद, कल शाम को 7 बजे इफ्तारी के बाद। माँ जी आराम कर रही हैं, उनको मेडिसिन दी थी और डॉक्टर को फिर जो है ना हमें नहीं पता था क्योंकि हम वहाँ पे हमें उनके टाइम का नहीं पता था कि वो किस टाइम बैठते हैं, क्योंकि माह रमज़ान में ना हमारी रूटीन क्या डॉक्टर की रूटीनें भी चेंज हो जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि इफ्तारी के बाद वो मतलब 7 बजे बैठेंगे और वो भी मंडे से। तो अभी ये कुछ राशन है जी हमारे पास माँ जी के लिए, और माँ जी वही जो नबीना है और उनकी बेटी जो है ना हाफिज़ कुरान है, तो हमारी एक सिस्टर हैं, माँ जी भी हैं, उन्होंने कुछ राशन जो है ना हमारे ज़िम्मे लगाया था। माँ जी ने ये काम हमारे ज़िम्मे लगाया था कि एक तो राशन आपने देना है और दूसरा ये जाय नमाज है जी और तस्वीर भी इसमें। हाँ, ये है जी माशाल्लाह से जी जाय नमाज और है, और ये है जी तस्बीह माशाल्लाह से जी, कलर प्यारा है। ये दो चीज़ें, उसके बाद जी खजूरें हमने ली हैं, आटा है जी 10 किलो आटा, बड़ी मुश्किल से हमें मिला है और स्टोर में जो है ना आटा नहीं था, फिर बड़ी मुश्किल से हमें एक तोड़ा मिला है 10 किलो का, 10 किलो का है ना जी, 10 किलो का, 10 किलो का। उसके बाद इसमें जितनी भी सारी ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं ना वो मैंने खुद ली है, फिर आपको पता है कि औरतों को ज़्यादा पता होता है मसाला जी पत्ती। अभी दिखाने का मकसद ये है कि फिर वहाँ पे नहीं दिखा सकेंगे, जब हम वहाँ पे जाते हैं तो फिर और आवाम भी काफ़ी आ जाती है, फिर वो कहते हैं कि हमें दे हमें दे, फिर ये ऐसे तोड़े में बंद करके वैसे उनको दे देंगे उनकी अमानत। तो हमारे गाँव में भी काफ़ी ऐसे घर हैं जो कि बेवा भी हैं, यतीम भी हैं, मस्किन भी हैं, काफ़ी घर हैं। जब से माह रमज़ान शुरू हुआ है ना
तब से ही हमारे घर में औरतों का आना जाना है कि कब राशन आएगा कब राशन आएगा, क्योंकि पिछले माह रमज़ान हमने राशन तकसीम किया था, तब से ही मेरी माओ और बहनों का आना जाना है। तो अभी जो घर हमारे ज़िम्मे लगा है जी, हम उनको राशन तकसीम करेंगे। तो छोटे छोटे सामान कुछ है जी, मिर्च है, ये जी बर्तनों वाला साबुन, बर्तन धोने वाला, और ये मैंने दो नहाने वाला साबुन ले लिया है, और ये कपड़ों वाला साबुन है जी, पेस्ट है इसमें, ये है शैम्पू, और हल्दी है, और ये जी दो पैकेट हैं जी दालों के, एक इधर पड़ा है, ये बेसन है जी, इसमें 2 kg है, और ये नमक, ये एक रूह अफ़ज़ा की बोतल भी कहते हैं, मतलब कहते हैं, और इसमें जी सर्फ एक्सल है जो हम घर में मतलब इस्तेमाल करते हैं ना चीज़ें, वही मैंने ली हैं, और हम घर में भी नहाने के लिए यही साबुन इस्तेमाल करते हैं। और 2 kg हमारे पास घी है, घी वही जो हम मनपसंद है जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, ये वाले हम ये 2 kg चावल हैं और 3 kg चीनी चलेंगे, और आता है अभी बोरी में डालते हैं, और मस्जिद में भी अफ्तारी का सामान भिजवाना है और अफ्तारी की तैयारी भी करनी है, तो हमने कहा जल्दी सबसे पहले ये काम हमारे ज़िम्मे लगाया गया ना, इसको हर अंजाम दे लें। और अल्हम्दुलिल्लाह जी सारा सामान हमने इसमें एडजस्ट कर लिया है और काफ़ी मुश्किल से किया है, मैंने तो कहा बड़ा थोड़ा लेते जाते हैं, लेकिन शहजाद साहब ने कहा उसके साथ आटा लगा हुआ था आपके कपड़े ख़राब हो जाएंगे, इसलिए फिर जो है ना शहजाद साहब ने इसमें एडजस्ट कर दिया है। और अभी जी चलते हैं जल्दी जल्दी, और जल्दी जल्दी फिर वापस भी आना है हमने। अल्हम्दुलिल्लाह जी माँ जी के पास पहुँच आए हैं, माँ जी कहीं गई हुई थी पर तो किसी के घर गए हुए थे कि क्या, लेकिन अभी हमने बुलवाया, और ये इनकी बेटी है जिनको नज़र नहीं आता, ये बैठी हुई थी, तो फिर पैगाम भिजवाया था कि वो माँ जी आई हैं, तो राशन हमने रख दिया जी, अभी घर की भी जल्दी लगी हुई है, इनकी अमानत हमने इन तक पहुँचा दी है, अब हम जिम्मेदारी से मतलब जो है ना ये मुझे इन्होंने पिछले साल भी रिक्वेस्ट की थी कि इस घर के बारे में कि ये घर जो है ना यहाँ पे घर इनका बन जाए अच्छे तरीके से, एक कमरा और किचन वगैरह बन जाए, कि ये इन्होंने रिक्वेस्ट मुझे पिछले साल भी की थी, तो लेकिन वो पिछले साल तो काम हो नहीं सका, लेकिन इस दफ़ा रिक्वेस्ट है जो बहन भाई देख रहे हैं ना कि इनका एक कमरा बन जाए और इनकी ज़िंदगी जो है वो आसानी हो जाए, और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, विज़िट करवा देता हूँ, ये इनका किचन है ये वाला, और ये इनका कमरा है ऐसे, ये देखें, बाकी मैं अंदर से नहीं दिखाऊंगा क्योंकि किसी के ऐसे प्राइवेसी है, तो वह मैं नहीं दिखाऊंगा, बाकी कंडीशन जो बाहर से देख रहे तो वो अंदर से भी होगी इस तरह, तो वो चीज़ें अंदर पड़ी होंगी लेकिन मैं दिखाना नहीं चाहता, बाकी ये इस तरह है, और इस साइड से आप लोगों को दिखाऊं तो कुछ इस तरह का है, और साथ ये रोड है और साथ मदरसा है। तो माँ जी ने कहा था जी राशन और जाए नमाज तस्बीह भी हैगी है, ठीक हो, जाए नमाज भी आ गया जी, हाँ जी, और राशन भी थोड़ा आ गया, ठीक हो गया, इस तो अलावा होर कोई चाहिए तो दस दो, बस तुसी ओना वास्ते दुआ कर देनी, खुसूसी दुआ, आमीन 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 जी आमीन। तो इसी तरह जी इनके इर्द गिर्द जो ना वो काफी फैमिलियां हैं, हाँ जी बिल्कुल, आमीन आमीन आमीन। इस तरह माँ जिस तरह ने इस तरह की और भी फैमिली इनके इर्द गिर्द हैं, तो वो हमारे बैक कैमरे हैं जी, वो भी देख रही हैं, लेकिन वो भी चाहती कि हमें राशन मिले, लेकिन राशन सिर्फ एक फैमिली का लेके आए, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि बाकी जहाँ पे जो 10-12 घर है ना उनको भी राशन मिल जाए। तो अभी हम घर चलते हैं, अफ्तारी करनी है, टाइम हमारे पास कम है, तो बस दुआवां याद रखे जैसे घर चलने हैं, दुआवां याद रखे जे अस घर चलने हैं, हाँ जी, क्योंकि रोज़ा अफ्तार करना है। हाँ जी वेलकम बैक, अभी कैमरा काफ़ी देर बाद हमने ऑन किया है, सालन जो है ना वो पक चुका है अल्हम्दुलिल्लाह से जी, और पकौड़े जो है ना पकौड़ों का पेस्ट जो इसमें मैंने तैयार किया है, और अभी जी पहला पूर है, आटा भी गूंद लिया, सिर्फ रोटियाँ बनाने वाली रह गई, और साथ मैंने कहा बिलाल से जल्दी जल्दी पानी बना दें, सबसे पहले मस्जिद का सामान तैयार करेंगे, उसके बाद जो है ना बाकी काम देखेंगे। और आज सालन क्या बनाया है आपको पता ही नहीं, क्योंकि मैंने बताया नहीं है और ना मैंने दिखाया है आपको, तो मैंने कहा शहजाद साहब आप ब्लॉग छोड़े हमारे साथ सिर्फ हेल्प करें, मैं शहजाद साहब और बिलाल जो है ना हम तीनों ने भाग दौड़ के सारे काम किए, अम्मी जान जो है ना वो रेस्ट कर रही हैं, और अभी जी पकौड़े ये एक दो पूर निकाल के ना टिफिन तैयार करते हैं मस्जिद का, उसके बाद बाकी काम देखेंगे जी, और सालन फिर दिखा दें आपको।
यहाँ पे सालन जो है ना ये सिर्फ आज सादा आलू बने हैं, और जल्दी जल्दी में जो है ना फिर कोई सब्जी हमारे पास और नहीं थी, मैंने कहा चले जी मसल पहुँच जाए तो सादा आलू मैंने मजे। अच्छा हम शहर से आए, शहर से भी मैं याद बोल गया था कि सब्जी लेके जानी है। हाँ जी बस जल्दी जल्दी में यही था कि नहीं तो मैं जब भी शहर जाता हूं। राशन पहुँचाना था, वो भी हमें काफी फिक्र थी कि टाइम टाइम उनके घर राशन पहुँच जाए, और दूसरा फिर हमें ये टेंशन थी अफतारी की। हाँ जी तो इस तरह जो है ना बस सब्जी लाना भूल गए। फिर मैंने कहा चले मुंगरे बना लेंगे, लेकिन मुंगरे तोड़ने में काफी टाइम वेस्ट हो जाना था इसलिए फिर मुंगरे भी नहीं तोड़े। मैंने कहा चले जी आज आलू ही जो है ना आलू से काम चला लेते हैं, आलू जल्दी सारा बन जाने थे, उसके आलू और इसके आलू मैंने इकट्ठे ही बना दिए और जल्दी जल्दी काम माशाल्लाह से कम्प्लीट हो गया। अभी टाइम जो है ना वो बस थोड़ा सा ही पड़ा हुआ है। यहाँ पे जी बिलाल साहब जो ना वो मीठा पानी जो ना वो बनाएगा, तो हमारे यहाँ जी मीठा पानी ज्यादा बनाया जाता है, लेमन वाला फिलहाल तो जो ना मौसम नहीं आया। चले इसके अंदर शरबत डालें। कुछ हमारी बहनें पूछ रही थी कि एक तो ये जो है ना वो जामे शीरी, हाँ जी ये क्या चीज है, कौन सा रंग डाला है और छिलके की, ये जरा इनको बता दीजिए कि मेरी बहनों को पूछ रही। चलिए ये थोड़ा सा डाल लेते हैं फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ जी क्या डाला है। बस छोड़ दो इतना बड़ा, इसे बंद करो। अभी हम पढ़ लेते हैं जी, ये जी शरबत रूह अफजा है, ठीक हो गया जी। और इसकी खसूसियात क्या है वो आप खुद यहाँ पे इंग्लिश पढ़ लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे, और इसकी प्राइस भी यहाँ पे होगी 330 रुपए। तो ये जी मीठा रंग है, मीठा शरबत, ये डालने से एक तो पानी का रंग जो है वो भी लाल हो जाता है और खुशबू भी बड़ी प्यारी प्यारी आती है। अब्दुल्ला कैसी है ना खुशबू, प्यारी प्यारी आती है ना। अब्दुल्ला जी मुँह धो के आ चुका है जी। मस्जिद है माशाल्लाह माशाल्लाह। बताया नहीं मेरे बालों का क्या हो रहा है, लग रहे हैं आपके बाल है? ये इसकी गलती है ना, इसने कैंची के साथ काट दिए थे ये देखे यहाँ से, और अब तकरीबन ए तक ना बाल इसके बराबर हो जाएंगे। तो अभी जी इसके अंदर कुछ गंडेरियाँ पकौड़े और खजूरें हैं वो देते जिन बच्चों को, और इनका रोज़ा है ये ले, और टाइम भी होने वाला रोज़ा अफ्तार। चलें जाएं जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी टिफिन की मैंने तैयारी शुरू कर दी, यहाँ पे सालन मैंने डाल दिया इसमें आलुओं का, और उसके बाद जी पकौड़े, और इसमें आएगी जी रोटी। अभी जी आप लोगों को दिखाते हैं जी, इसके अंदर हमने छिलका और बलंगू डाला है, तो बलंगू क्या है जी वो आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये है जी छिलका और बलंगू, ये ब्लैक ब्लैक जो है ना ये है बलंगू, ये जब तुख मलंगा भी से कहते हैं और बलंगू भी कहते हैं, और जब ये पानी में डालते हैं ना ये फूल जाता है, पहले ये बिल्कुल खुश्क होता है ये। तो ये मैं क्यों आप लोगों को दिखा रहा था, हमारी बहन है जी इंडिया में रहती जिनका नाम है जी तरन्नम जमा, तो वो बहुत शौक से हमारी वीडियो देखते हैं, सभी बड़े शौक से देखते हैं, लेकर उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी और वो काफ़ी अरसे से हमें देख रही थी, तो उन्होंने कहा मुझे ये बलंगू आपने दिखाना है कि बलंगू क्या होता है नज़दीक से, और मेरा नाम लेना है। तो थैंक यू, इतना फूला नहीं है क्योंकि फिर जो है ना वो जल्दी में पकोया है। बिल्कुल तो थैंक यू सो मच जी, आप सब इतने शौक से हमारी वीडियो देखते हैं, हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है जी। आंटी है लाहौर में रहती हैं, निमक वाली आंटी उनका नाम, और एक बच्चा उन्होंने रात को कॉल की थी, उनका नाम भूल गया मैं, आपने रात को कॉल की थी आप, बिल्कुल बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं कि आप हमारा नाम लिया करें, हमारा नाम लिया करें, तो हम सबसे माजरत करते हैं कि देखें फिर हजारों लोग देखने वाले हैं, तो वो कहते हैं कि हम भी आपको देखते हैं, हमारा नाम क्यों नहीं लेते। और दूसरा ये है कि अभी देखें मैं नाम ले रही हूँ, मुझे नाम भूल गया बिल्कुल, और बस जी चलें जी, जिन्होंने कहा उनका नाम ले लिया जिनके रह गए, अब मुझे लगता है कि मुझे एक स्पेशली वीडियो बनानी पड़ेगी इस पे। बिल्कुल आप सब अपने नाम लिख के भेज दीजिएगा, मैं लिस्ट बना के रख लूंगी, और एक स्पेशली वीडियो मैंने बनानी इस पे, किस बहन का नाम ये है, इस भाई का नाम ये है, तो मुझे लगता है कि वीडियो बनानी पड़ेगी जल्दी से भी। मस्त सामान भेजे, लेट हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह जी टिफिन हमारा तैयार हो चुका है, पानी भी बिलाल वापसी भी आके रोजा अफतारी करता है, और पहले इनका काम यही होता है, इनके जिम्मे यही हमने लगाया, सबसे पहले मस्जिद आपने खाना पहुंचाना है, उसके बाद हम सारे मिलजुल कर फिर अफतारी करते हैं। चलें जल्दी पहुंच जाओ और जल्दी आ जाओ वापस।